हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सिबीगंज बरेली में। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है संख की, और अभ्यास है इसकी 13.2, जिसका क्वेश्चन नंबर है 5। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से, जो टेलीफोन डायरी होती है उससे कुल नाम 100 लिए गए। तो यहां पर कुल नामों की संख्या हमें पहले ही दे रखी है, n की वैल्यू कितनी है 100। साथ ही साथ कहा है, तथा उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है, और ये टेबल दी गई है। उपरोक्त आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आया हुआ भी है, बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी यहां पर कुल नामों की संख्या दे रखी है उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। कैसे इसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहला जो नंबर है वो ऐसा का ऐसा ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, जो 30 दे रखा है इसमें ये पहला वाला नंबर जोड़ देना है, जो कितना आएगा 30 और 6 36। जो भी हमें यहां पर संख्या मिली है उसमें ये नेक्स्ट बारंबारता यानी नामों की संख्या है वो जोड़ देनी है, और ये मिल जाएगा 76। 76 में क्या करना है, 16 है, नेक्स्ट वाला नंबर ऐड करना है, तो ये 6 और 6 12 है, 7 और 1 8 कितने हो गए 9। 92 में नेक्स्ट वाला नंबर 4 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 96। 96 में लास्ट नंबर ये भी 4 है, ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा 100। इसका मींस हमारा जो ये योगफल है संचयी बारंबारता है वो ठीक है, क्योंकि यहां पर कुल नामों की संख्या 100 ही दे रखी है। अब हमें इस टेबल से माध्यिका को ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए n बटा 2 का मान। तो माध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस का n बटा 2 माइनस का CF अपॉन यहां पर F इंटू H। तो जो n बटा 2 है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एक साइड में, n बटा 2, तो n की वैल्यू यहां पर 100 दे रखी है अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। तो n बटा 2 का मान हो गया कितना 50। तो वैल्यू रखेंगे यहां पर n बटे 2 का मान 50। अब l ये भी हमें ढूंढना है, तो उसके लिए कैसे ज्ञात करें, जो भी n बटा 2 का मान आया है 50 वो हमें इस संचयी बारंबारता में ढूंढना है। तो यहां तक 36 नाम हो चुके हैं, और यहां पर जैसे ही आएंगे तो कुल नामों की संख्या कितनी हो गई है 76। तो 36 से 76 आ गए, इसका मतलब जो 50वां नाम था वो भी इसी में जुड़ा हुआ है, तो इस वाले वर्ग को हम कर लेते हैं कवर, और इस वाले में जो यहां पर बारंबारता या कुल नामों की संख्या दे रखी है इसे मानते हैं स्मॉल f, और इससे ठीक पहले वाले वर्ग जो कि हमें यहां पर ये वाला दे रखा है इस के संचयी बारंबारता को cf मानते हैं। तो n बटे 2 का मान हमने यहां पर 50 निकाल लिया है, cf की वैल्यू कितनी है यहां पर 36, 36, और f का मान यहां पर कितना है 40। साथ ही साथ h, h क्या होता है, इन दोनों
का अंतर, निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 का अंतर है। साथ ही साथ अब बचा L, L में क्या करना है, जो भी हमें यहां पर इस वर्ग की निम्न सीमा दे रखी है वही नोट करनी है, और यह है 7। तो सारे मान इस सूत्र में रखने पर क्या मिलेगा, L के स्थान पर 7 और N बटे 2 की जगह पर 50 माइनस CF, CF के स्थान पर 36 बटे स्मॉल F, ये हमें 40 प्राप्त हुआ था। H, H का मान कितना है यहां पर 3 है। सॉल्व कर लेंगे इसे, 7 प्लस 50 में से 36 गए बचे 14 है बटे 40 गुणा 3, तो ये कितना मिलेगा, 7 प्लस का 14 है 42, या इसे पहले कट कर लेते हैं तो यहां से कितना मिल जाएगा, 2 × 7 = 14 = 20। तो ये हो गया 7 × 21 = 20। 20 से 21 के लिए अलग डिवाइड कर लेते हैं तो 20 = 20, एक बचा है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, इसमें अभी भाग जाएगा नहीं, तो 0 दिया, एक और 0 बढ़ा लिया, 20 × 5 = 100। तो यहां पर वैल्यू आ गई 1.05, तो 7 प्लस का 1.05, इन्हें ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 7 × 1 = 8.5, ऐसा का ऐसा ही, और 0.5 भी ऐसे के ऐसे ही, और ये हमें क्या दे रखे थे, अक्षरों की संख्या, तो इतने अक्षर। आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिया गया बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दिखाता है, विद्यार्थियों की भार की माध्यिका ज्ञात कीजिए, और यहां पर हमें ये एक टेबल दे रखी है। तो क्या करें, सबसे पहले तो इन विद्यार्थियों की संख्या जो कि F होती है इसे जोड़ लेना है, तो 2, 3, 5, 8, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 25, 25, 3, 28, 102, 30। तो यहां पर N का मान आ गया 30। अब क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। फिर से वैसे ही करेंगे, 2 ऐसे के ऐसे ही, इसमें नेक्स्ट वाला नंबर जोड़ देंगे, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। इसी तरह से 5 में 8 जोड़ लेंगे, कितना मिल जाएगा, 5, 8, 13 है। नेक्स्ट वाला नंबर 6, इसमें जोड़ देंगे, 13 है प्लस का 6, कितना हो गया, 19। 19 में 6 जोड़ लेंगे, कितना मिलेगा, 25। 25 में 3 जोड़ना है, मिल जाएगा 28। 28 में लास्ट में क्या है, 2, ये जोड़ लेना है, कितना मिलेगा, 30। अब क्या करना है, सबसे पहले n बटे 2 का मान ज्ञात करते हैं, तो n बटा 2, n की वैल्यू हमने 30 निकाली थी, बटे 2, 2 से इसे भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 = 15। तो n बटे 2 का मान आ गया यहां पर 15। साथ ही साथ अब CF और L, इससे पहले F और L और H, इन सभी के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो क्या करें, सबसे पहले जो हमें n बटा 2 है, 15 है, इसको ढूंढना पड़ेगा। तो यहां तक कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई है 13 है, और जैसे ही आगे वाले वर्ग में बढ़ेंगे तो यहां पर टोटल छात्रों की संख्या हो गई 19।
इसका मतलब यह हुआ कि जो 15वां छात्र है वो इसी वाले वर्ग में जुड़ा हुआ है। तो क्या करना है, इसको कर लेते हैं कवर। अब इस वाले वर्ग की जो बारंबारता है यहां पर, यह कहलाती है एफ। इससे ठीक पहले वाला वर्ग वो ये दे रखा है, उसमें ये वाला जो नंबर है संचयी बारंबारता है ये कहलाती है सी एफ, ये सी एफ हो गया। इसी तरह से अब निकालना है हमें एल, तो एल क्या होता है, जो भी यहां पर हमारा माध्यक वर्ग है उसकी निम्न सीमा, तो ये ऐड कर लेते हैं यहां पर। सी एफ की वैल्यू है 13 है, एफ की वैल्यू है 6 और एल कितना हो जाएगा यहां पर 55। एच इन दोनों के बीच का अंतर कहलाता है, तो ये कितना है 5। माध्यिका ज्ञात करेंगे, माध्यिका मींस मीडियन कितना होगा, एल प्लस का एन बटे 2 माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। वैल्यू पुट करेंगे एल, एल के स्थान पर कितना रखना है 55 प्लस एन बटा 2, इसका मान कितना आया है 15 माइनस सी एफ के स्थान पर कितना रखना है 13 बटे एफ के स्थान पर कितना रखना है 6 और एच का मान कितना है 5। इसे सॉल्व करने पर 55 प्लस 15 में से 13 गया बचा 2 गुणे 5 बटा 6, तो यहां से 2 3 6 तो कितना मिलेगा 55 प्लस का 5 बटे 3। तो 3 से 5 के लिए भाग कर लेते हैं, 3 एकम 3 बचा यहां पर 2, दशमलव दिया 0 बढ़ा लिया, 3 छके 18 फिर से 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया, 3 छके 18 और इस तरह से फिर से 2 बचा और क्या होगा यहां पर 6 6 6 आता रहेगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, जो अगला वाला नंबर है इसे छोड़ना है और चूंकि ये 5 से बड़ा है तो इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 1.67। तो ये हो गया 55 प्लस का 1.67, 55 ये और 1 ये है तो टोटल इनका हो जाएगा 56.67 ऐसा का ऐसा ही। और यह हमें किसमें दे रखा था, भार किलोग्राम में, तो इतना किलोग्राम, यही माध्यिका हो गई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार आ भी गया है 2019 और 2020 में। कहा गया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए, यह हमें सारणी दे रखी है और इससे हमें क्या करना है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, तो संचयी बारंबारता के लिए जो नंबर हमें दे रखा है पहला वाला वो ऐसा का ऐसा ही। नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो 3 और 10 कितने हो गए 13 है, जितना भी योगफल आया है उसमें क्या करना है नेक्स्ट वाला नंबर जोड़ देना है, तो 13 और 20 कितने हो गए 33, 33 में ये फिर 13 है फिर से जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा कितना 46, 46 में 4 फिर से ऐड कर देना है और ये अंत में हमें मिल जाएगा 50। तो टोटल एन है या विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है 50 है। तो माध्यिका बराबर सूत्र होता है एल प्लस का एन बटा 2 माइनस का सी एफ अपॉन यहां पर
एफ इंटू एच। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एन बटे दो का मान निकालना होता है, तो वो एक साइड में निकाल लेते हैं। एन बटा दो, एन की वैल्यू दे रखी है 50, बटा दो निकालेंगे तो 50 का आधा कितना हो जाता है, 25। तो एन बटा दो का मान आ गया 25। अब 25 कहां पर होगा, यहां तक टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो गई है 13, 25वां जो विद्यार्थी है वो इस वाले 33 जो टोटल विद्यार्थी हैं इसी वाले ग्रुप में जुड़ा हुआ है। तो क्या करना है, इसे कर लेते हैं यहां पर कवर। तो ये जो 20 है ये वाला वर्ग से जो बारंबारता दे रखी है 20 वो हो गया यहां पर F। इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ये कहलाती है CF। तो यहां से हमें F की वैल्यू मिल गई कितनी, 20, और CF की वैल्यू मिल गई 13। साथ ही साथ अब हमें L का मान ढूंढना है, तो H का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों सीमाओं का अंतर, तो 40 और 55 के बीच का अंतर कितना है, 15 है, तो H का मान हो गया 15। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, तो L कितना है यहां पर 40 प्लस N बटे 2 का मान हमने 25 ज्ञात किया था, 25 माइनस CF कितना है 13 बटे F, स्मॉल F कितना है 20 इंटू H का मान यहां पर कितना है 15। सॉल्व करेंगे तो यहां से 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो ये 40 प्लस का, यहां से 25 में से 13 जाएंगे कितना बचेगा 12 गुणा 3, ऐसे कैसे ही बटे कितने हैं 4, 4 तिया 12, तो ये 40 प्लस का 3 तिया 9 हो गया, तो 40 और 9 कितना हो गया 49, और ये हमें किसमें दे रखा है भार, किलोग्राम में, तो ये किलोग्राम में ही आंसर आएगा, तो माध्यिका हो गई कितनी 49 किलोग्राम आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दो बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दिया है यदि नीचे दिए गए बंटन की माध्यिका 28.5 हो तो x तथा y के मान की गणना कीजिए, और यह हमें यहां पर एक टेबल दे रखी है, तो इस टेबल की सहायता से हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, जबकि इसकी माध्यिका हमें दे रखी है कितनी 28.5, तो माध्यिका कितनी है 28.5। तो सबसे पहले क्या करना है, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, तो उसके लिए पहला नंबर ऐसा का ऐसा ही, नेक्स्ट वाला नंबर क्या करना है, इस में जोड़ देना है, तो 5 प्लस का x, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि x कोई नंबर है नहीं, ये क्या है एक चर संख्या है, चर संख्या का योगफल इसी तरह से होता है। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा, इस 5 प्लस x में जो हमें प्राप्त हुआ है क्या करना है, 20 और जोड़ देने हैं नेक्स्ट वाला नंबर, तो ये हमें मिल जाएगा 20 5 25 प्लस का x। इसी तरह से अब जो 25 प्लस x मिला है इसमें क्या करना है, 15 और जोड़ना है, ये मिल जाएगा 25 और 15 40 प्लस का x। इस 40 प्लस x में नेक्स्ट बारंबारता जो कि y है इसको जोड़ना है प्लस का y, कितना मिल जाएगा, तो ये कोई नंबर तो है नहीं, एक चर पद है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट है 40 प्लस x प्लस y, इसमें हमें क्या करना है, ये नेक्स्ट बारंबारता जो कि 5 है इसे भी जोड़ देना है, तो मिल जाएगा 40 और 5 45, 45 प्लस x और प्लस y, तो इन सभी का
जो योगफल है वो हमें यहां पर पहले ही n कितना दे रखा है 60, और इसका हम अगर योगफल ज्ञात करेंगे तो वो हमें दे रखा है 45 प्लस x प्लस का y। तब क्या होगा, n बराबर हमें दिया है 60, सिंस n का मान 60 दे रखा है और n की वैल्यू हमने इनका जो योगफल है वो कितना ज्ञात किया है यहां पर 45 प्लस का x प्लस का y। तो इसके स्थान पर n के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 45 प्लस का x प्लस का y बराबर 60। तो यहां से x प्लस y इज इक्वल टू 60 और 45 उधर लेकर जाएंगे ये हो जाएंगे माइनस के, तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू मिल गया 15। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण 1 बन गई। अब क्या करना है, सबसे पहला जो n की वैल्यू हमें दे रखी है उसे क्या करना है, n बटा 2 का मान ज्ञात करना है। नाउ n बटा 2 ये कितना है 60 बटे 2 भाग देंगे 2 तीसम 60, तो n बटा 2 का मान कितना हो गया 30, n बटे 2 का मान कितना हो गया 30। अब क्या करना है, हमें यह ढूंढना है कि n बटा 2 जो कि 30 है वो किस वारंवारता में, किस वर्ग अंतराल में आएगा। तो यहां पर ध्यान से देखें, हमें यह दे रखा है माध्यिका 28.5, तो वो माध्यिका कौन से वाले वर्ग में आएगा, इस वाले वर्ग में 28.5, 20 और 30 के बीच में आता है, तो वो वर्ग अंतराल हमें यहां पर मिल गया कितना, ये इसकी जो बारंबारता है ये कहलाती है f, और इससे ठीक पहले वाला जो वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता ये कहलाती है CF। तो यहां से CF कितना हो गया 5 प्लस का x, और f की वैल्यू कितनी हो गई 20, l का मान कितना हो जाएगा 20, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10 का, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो माध्यिका सूत्र होता है L प्लस का n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। एल का मान हमने अभी अभी ज्ञात किया है कितना है 20 प्लस n बटा 2, n बटे 2 का मान कितना है 30 माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस x, तो यहां से 5 प्लस का x, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। f की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, और h का मान हमने निकाला है कितना 10, तो यहां पर 10 दूनी 20, और इधर माध्यिका हमें दे रखी है 28.5, तो 28.5 20 को इधर लेकर आए जो कि प्लस में है, इधर आकर हो गए माइनस के, इधर इसे सॉल्व कर लेंगे 30 ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 5 माइनस और प्लस माइनस का x अपॉन कितना 2, तो यहां से कितना बचेगा 8.5 बराबर 30 में से 5 गए, कितना बचेगा यहां पर 25 माइनस का x बटे 2, 2 ये आ जाएंगे इधर गुणा में, तो कितना मिलेगा यहां से 8.5, तो 8.5 की गुणा कराएंगे 2 से, तो 2 पंजे हो गया कितना 10 पॉइंट, एक नंबर के बाद एक हासिल का है, 2 अट्ठे 16 है, और एक हासिल का कितना हो गया 17 है बराबर 25 माइनस x, x को इस साइड लेकर आएंगे ये हो गया प्लस का बराबर 25 अपनी ही जगह पर रहा, 17 उस साइड लेकर जाएंगे ये हो गए माइनस के, तो x बराबर 25 में से 17 गए कितने बचेंगे 8, x का मान आ गया 8।
हमने यहां पर समीकरण एक में देखा था x प्लस वाई का मान कितना है 15। x की वैल्यू हमने यहां पर ज्ञात कर ली है, तो क्या करें y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण एक से। कितना दिया है x प्लस वाई बराबर 15। x का मान हम निकाल चुके हैं पहले ही 8, y ऐसा का ऐसा ही बराबर 15 है। y बराबर कितना हो जाएगा 15 है, 8 उस साइड लेकर जाएंगे, ये हो गए माइनस के, तो y बराबर कितना बचा 7, y का मान आ गया 7। तो अतः x बराबर हो गया 8, y का मान हो गया 7, और यही दोनों हमसे पूछे गए थे आंसर। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो कि सारणी यहां पर प्रदर्शित की गई है। पत्तियों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, और इस टेबल से हमें क्या करना है माध्यिका ज्ञात करनी है। किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल में हम अगर ध्यान से देखें तो एक नंबर का डिफरेंस है। कहां पर? पहला जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है वो 118 से 126, और जो नेक्स्ट वाला है वहां हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए गए थे तो उनमें देखा था कि जो लास्ट की अपर लिमिट होती थी वहीं से दूसरा वाला वर्ग अंतराल स्टार्ट होता था, लेकिन यहां पर 126 पे खत्म हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है 127 से। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संभालना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, सतत बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें, सी आई क्लास इंटरवल दोबारा से बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, उसके लिए जितने का अंतर है, एक का अंतर है इसमें और इसमें, तो उनका क्या करना है हमें आधा कर लेना है। एक का आधा कितना हो जाएगा 0.5, तो वो 0.5 क्या करना है, एक साइड जो लोअर लिमिट है उधर करनी है माइनस, और जो अपर लिमिट है उसमें ये 0.5 ऐड करना है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो मिलेगा 117.5 से, इधर प्लस करेंगे तो 126.5। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये 126.5 से इसमें प्लस करना है तो 135.5, नेक्स्ट मिल जाएगा 135.5 से 144.5, नेक्स्ट मिलेगा 144.5 से 153.5, इसी तरह से नेक्स्ट मिल जाएगा 153.5 से 162.5 और 162.5 से 171.5, और लास्ट मिल जाएगा 170.5 से लेकर के 180.5 तक। अब क्या करना है, ठीक उसी तरह से जैसे अब तक हमने करा था, इसकी हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी हमें ये F दे रखा है उनमें पहला नंबर ऐसा का ऐसा ही और बाकी नेक्स्ट ऐड करते चले जाना है। तो 3 में 5 ऐड करेंगे मिल जाएगा 8, 8 में 5 ऐड करेंगे मिल जाएगा यहां पर, सॉरी 8 में 9 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 17, नेक्स्ट 17 में 12 ऐड करेंगे तो मिलेगा 29, और 29 में 5 ऐड करेंगे मिलेगा 34, 34 में 2, 4 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 38, और 38 में 2 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 40। तो यहां से हमें n की वैल्यू मिल गई कितनी 40।
अब क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले n बटा 2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है। तो n बटे 2 का मान कितना हो जाएगा, 40 बटा 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 20। तो n बटे 2 हो गया कितना, यहां से 20। अब ये 20 कहां पर आएगा, वो हमें संचयी बारंबारता में ढूंढ लेना है। तो यहां तक कुल पत्तियों की संख्या हो गई है 17, इसके बाद 18, 19, 20, इस तरह से लेकर के 29 तक जो पत्तियां हैं वो सारी की सारी इसमें ऐड हैं। तो 20वीं पत्ती कहां पर है, वो इसी में ऐड है। तो इस वाले ग्रुप को हमें क्या करना है, इस तरह से कवर कर लेना है। और इसमें इस वाले वर्ग, जो माध्यक वर्ग हो गया वो हमारा यही रहा। इस माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है इसे हम कहते हैं F। तो यहां F, F की वैल्यू कितनी है, 12 है। CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये CF होता है कितना, 17। L, L होती है माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। तो इसमें निम्नतम सीमा, ये वाले तो हमें वर्ग अंतराल असतत दे रखे थे, सतत हमने ये वाले बनाए हैं, तो इन्हीं को लेना है। तो कितना हो जाएगा, 144.5। और इसके बाद H चाहिए, तो H कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9। फार्मूला होता है माध्यक ज्ञात करने का, माध्यक बराबर L प्लस का सिग्मा, सॉरी L प्लस n बटा 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू है यहां पर 144.5 प्लस n बटे 2 की वैल्यू है 20 माइनस CF है 17, F की वैल्यू है कितनी, 12 इंटू H कितना है, 9। सॉल्व करेंगे, 144.5 प्लस ये बचा कितना, 3 इंटू 9 अपॉन 12। तो 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 जा 12, कितना मिलेगा, 144.5 प्लस ये 9 अपॉन 4। 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना मिल जाएगा, 4 2 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज कर लिया, 4 2 जा 8, कितना बचा, 2, 5 जा कितना हो गया यहां पर, 20। तो यहां से हमें मिल गया 2.25। तो इसमें ये ऐड कर लेते हैं, तो 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट बना ली, 0 और 5 हो गया 5, और 5 और 2 हो गया 7 पॉइंट, और ये 4 और 2 हो गया 6 और 14, ऐसा का ऐसा ही। तो माध्यक जो लंबाई है या माध्यिका लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, यहां मिलीमीटर में दे रखी थी तो इतना मिलीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे नई वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।